प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों दबंग वकील नाजिया लाइकान जी अपने ही मजहब के ठेकेदारों और इन शांति दूतों पे भड़क गई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इसे लेटेस्ट और दमदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत जी। अभी जैसे आप बता रही थी कि मुनव्वर फारूकी किस तरीके से भगवान श्री राम को के खिलाफ बोल रहा था, किस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा था और एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बन जाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो बॉलीवुड स्टार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिसमें कि दिख रहा था कि वो राष्ट्रगान के वक्त में हाथ बांधे खड़े हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, आसपास के लोग गा रहे हैं राष्ट्रगान, तो उसको लेकर भी उन पर सवाल उठे थे। तो ऐसा क्यों होता है कि भारत में रहने के बावजूद, भारत के लोगों का इतना प्यार मिलने के बाद, जब इस जमात के लोग स्टार भी बन जाते हैं तो भी राष्ट्रगान गाने से परहेज करते हैं? देखिए, वो तो आमिर खान ने भी कहा अपनी डिवोर्सी बीवी के साथ बैठ करके कि हम लोग भारत में असुरक्षित है। नसीरुद्दीन शाह ने भी बोला असुरक्षित है। गाहे बगाहे जावेद अख्तर भी कुछ ना कुछ टिप्पणियां भारत के खिलाफ करते ही रहते हैं। उसके बाद फिर ये जो दौर चलाया है अभी शत्रुघ्न सिन्हा, जब से टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं तब से पक्के मुसलमान हो चुके हैं। लव और कुश की बहन और घर का नाम रामायण ना क्या, और दामाद आ गया है जहीर। तो ये बॉलीवुड वालों ने हमेशा मुगलिया सल्तनत को और इस्लाम को का बहुत प्रचार किया है। आपको क्या लगता है कि स्वरा भास्कर, शर्मिला टैगोर, उसके बाद फिर ये सोनाक्षी सिन्हा, ये लोग क्या कर रही हैं? ये लोग एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हैं भारत की उन बेटियों को बर्बाद करने के लिए जिनको हम सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग हर रोज बोलते हैं कि देखो सनातनी बेटियों संभल जाओ, नहीं तो फ्रिज में पाई जाओगी। देखो सनातनी बेटियों संभल जाओ, मुसलमानों से मुसलमान बॉयफ्रेंड मत बनाओ, उससे शादी मत करो, नहीं तो हलाला होगा। और ऐसे कई सारे केसेस सामने में आते भी रहते हैं। कभी 35 बोटियों में मिलती है सनातनी बेटियां, कभी कभी समुन्द्र में मिलती है, कभी ससुर के बेड पर मिल जाती है हलाला का शिकार बन के, कभी ब्रीफ केस में मिलती है। तो ये परसेंटेज अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि पिछले 5 साल में बहुत कम हुआ है और सनातनी बेटियां जो हैं वो मुस्लिम लौंडों से अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। तो जैसे ही ये चीजें गिरती हुई नजर आई, कभी शर्मिला टैगोर पटौदी से शादी करती है, अपना नाम सकीना रखती है, कभी स्वरा भास्कर शादी करती है मुसलमान से, और कभी सोनाक्षी सिन्हा जहीर से शादी करके एक एग्जाम्पल बनाती है कि देखो हम कर सकते हैं जहीर से, तो हिंदू बेटियों तुम भी करो, किसी भी अब्दुल से, किसी भी इस्माइल से तुम भी करो आराम से और बर्बाद हो जाओ। अब आती है बात कि इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने हमेशा इस राष्ट्र के खिलाफ ही कहा है। इसमें नवाजुद्दीन को ही सिर्फ क्यों घसीटा जाएगा, इसमें सलमान खान को घसीटा जाएगा, इसमें शाहरुख खान को घसीटा जाएगा, इसमें आमिर खान को घसीटा जाएगा, इसमें अमिताभ बच्चन को घसीटा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमिताभ बच्चन के की फिल्मों को आप देखिएगा तो वो तो सिर्फ मुगल की ही तारीफ किया करते थे। अच्छा देखिए, आपको मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि एक वक्त था जब मुस्लिम औरतों को इसमें मूवीज में तबाइफ और बड़ी नजाकत वाली दिखा करके पैर में घुंघरू बांध करके नचवाया जाता था पाकिजा में, कभी शाहजहां की कीप बनाया जाता था और दीवार पे चुनवा दिया जाता था। हालिया में एक हीरा मंडी बोल करके एक सीरीज आई थी जिसमें अय्याश दिखाया गया, अय्याश तवायफ मुसलमान औरतों को दिखाया गया। अब जैसे ही हम दो हमारे 12 आया और मुसलमान औरतें अपने लीगल राइट के लिए आवाज उठाई, मुसलमान मर्दों को बुरा लग गया ना। तो ये बहुत स्ट्रेटेजी सेट है इनका, बहुत सेट है। और देखिए, अवैसी हो या नवाजुद्दीन हो, इनको, इन लोगों को इस राष्ट्र से मोहब्बत नहीं है, इस राष्ट्र में सुरक्षित है क्योंकि ये यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से लैविश लाइफ का फायदा ले रहे हैं, यहाँ से कोई पार्लियामेंट जा रहा है, कोई बॉलीवुड का स्टार बन जा रहा है, कोई बेस्ट कॉमेडी पर्सन बन जा रहा है, कोई बिग बॉस जीत जा रहा है, कोई बड़ा बड़ा एक्टर बन जा रहा है मुसलमान।
क्योंकि इनको पता है कि ये अगर पाकिस्तान चले जाएंगे, सीरिया चले जाएंगे, तो इनको मुहाजिर कहा जाएगा, इनको यहाँ वाली इज्जत नहीं मिलेगी, इनको इनको कभी भी काट दिया जाएगा, कभी भी मार दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी 4 दिन पहले सवात में एक मुसलमान लड़के को, 36 साल के एक लड़के को जला दिया गया नंगा, चीथड़े उड़ा दिए गए सवात में, तो इनको पता है। पर एक चीज और, जो अभी हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, हमद और हमारे 12 की, इसका जिक्र भी आपने किया, तो अभी एक बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली दिल्ली के मंगोलपुरी में अभी 2 दिन पहले की, जब वहां पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए पुलिस का दस्ता गया, तो वो मुस्लिम महिलाएं जो कभी भी मस्जिद के अंदर जा ही नहीं सकती, उनको अधिकार ही नहीं है, वो मस्जिद को बचाने के लिए मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चढ़कर खड़ी थी, बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी और मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो सबको लग रहा था कि जब ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये माना जाए कि मुस्लिम मर्दों को लगा कि अगर अब वो नहीं बचा पा रहे मस्जिद को या इस अतिक्रमण को, तो कम से कम महिलाओं का सहारा ले लिया जाए, खातूनों का सहारा ले लिया जाए। नहीं अंतु जी, आप मेरे पिछले सेशन जो मैंने आपके साथ किया था उस सेशन को उठा करके आप देखिए, मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए थे, कंटिन्यू 11 पॉइंट्स मैंने बताए थे, इस्लाम बचा ही हुआ मुसलमान फीमेल्स की वजह से, मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए थे। और आज से नहीं, 1450 साल से इस्लाम अगर सेफ है तो वो मुसलमान औरतों की वजह से ही सेफ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चरवाहे थे, बकरी चराया करते थे, पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग कैसे कर दी है, बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस टाइकून थी, उनके पैसे पे कर दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आदम और हव्वा को, आदम अलैहि सलाम और हव्वा बीबी को जब जमीन पे उतारा गया, जिसको आप लोग एडम और ईव बोलते हैं, तो जब जमीन पर उतारा गया तो हव्वा की नजर फल पर थी, लेकिन आदम की नजर हव्वा पर थी, ठीक है। तो अगर इस्लाम मुसलमान कम्युनिटी की औरतें आज कह दे कि भाई जैसी मनमानी तुम करते हो वैसी मनमानी हम भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि जरीन खान की तरह जो फिल्म एक्ट्रेस है, सारी मुसलमान बेटियां जो है वो सनातनी बेटों को पसंद कर लेंगी, सारी सनातनी बेटी। और मुझे लगता है कि एक बहुत क्विंटेसेंशियल एग्जांपल दिया है जरीन खान ने, सनातनी एक लड़के को पसंद करके और उससे शादी की घोषणा करवा करके। तो मैंने आप, मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं याद है, मैंने 11 पॉइंट्स बताए थे। और अब आप देखिए कि मैं बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसमें, अल्लाह के घर में जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए बल्कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, औरतें भी जा सकती हैं, मर्द भी जा सकते हैं। जब रमजान के दूसरे जुमा पे जब मैं टिप्पू सुल्तान मस्जिद में, कोलकाता के चांदनी चौक में टिप्पू सुल्तान मस्जिद में गई थी, तो वहां पर इमाम साहब बहुत गुस्सा हो गए, फिर भी मैंने, पुलिस थे वहां पर, उन्होंने ही बुलवाया था, मैंने तो बुलवाया भी नहीं था। और उसके बाद जब मैंने नमाज पढ़ा तो जुबैर ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया, नमाज पढ़ रही है और कैमरा देख के पढ़ रही है, जुबैर वो जो नामर टाइप का है जुबैर, वो ट्रोल किया था उसने, मुझे ट्वीट भी किया था। तो मेरे सामने तो ये सब लफंदरों का चलता नहीं है, पता नहीं नूपुर कैसे खामोश हो गई, मैं तो खामोश होने वाली नहीं हूँ, मैं तो रोड पे ना पजामा खोल करके मार खिलवाऊ और खुद भी मारू मैं ऐसी हूं। तो उसके बाद फिर मैंने ईद की नमाज के लिए, मैंने बड़ी मस्जिद जो कोलू टोला में है, मेरे चैम्बर से 10 मिनट का डिस्टेंस है, मैंने वहां पर चिट्ठी भेजी थी कि मैं ईद की नमाज भाई मस्जिद के अंदर पढ़ूंगी, जैसे ममता बनर्जी ईद की नमाज में जा सकती है तो मैं भी आ सकती हूँ। तो इमाम साहब ने जोड़ा साको पुलिस स्टेशन को मेल करवाया कि अगर वो आएंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब बुरा में मेरा रेप भी करवा सकते थे इमाम साहब, बुरा में मुझे नंगा करके पिटवा भी सकते थे इमाम साहब मेरे ऊपर एसिड अटैक भी करवा सकते थे, क्योंकि भाई इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे तो सब कुछ जायज है, थूक जिहाद, वोट जिहाद, मर्डर जिहाद, रेप जिहाद, सब कुछ जायज है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे, और भारत में होता आया है, और हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका सोता रहता है इस मामले में जब ये सब होता है। तो फिर मुझे सबने मना किया कि नाजिया ना जाए, क्योंकि अगर रेप मार दिया तो ठीक है, लेकिन रेप अगर इमाम साहब ने खड़े होकर करवा दिया तब क्या। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने बात की बॉलीवुड के बारे में, जहां पे इंटर रिलीजन मैरिज जो है वो काफी ज्यादा आम है, और आपने देखा कैसे दबंग वकील नाजिया लाई खान जी अपने ही मजहब के ठेकेदारों और खासकर
इन शांति दूतों पे तगड़ा भड़क गई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।